मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। IMF ने पेट्रोल पर मुजवजा सब्सिडी की इब्तदाई तजवीज मुस्तरद कर दी। IMF ने हुकूमत से पेट्रोल सब्सिडी का मुकम्मल प्लान मांग लिया। IMF ने गरीब तबके को ज्यादा मौसर टारगेटेड सब्सिडी देने पर जोर दिया। कनाडा के वफाकी हुकूमत ने 2023 का बजट पेश कर दिया। बजट में महंगाई में कमी और माहौल दोस्त मईशत पर तवज्जो दी गई। टैक्स इकदाम की एक रेंज भी मुतारिफ करवाने का ऐलान। टोरंटो के शहरी पुलिस को डिफेंड करने वालों को वोट दें। ऑन्टेरियो के प्रीमियर का कहना था कि TTC में इस कदर पुरतशद्दुद वाकयात पहले कभी नहीं देखे। सैकड़ों कुल वक्ती अफसरान को ट्रांजिट सिस्टम में गश्त करते देखना चाहते हैं। टोरंटो में मौसम बहार की आमद के बावजूद सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से शहर में बर्फबारी की पेशगोई। माहिरीन के मुताबिक सर्द मौसम जुमेरात और जुमे तक जारी रह सकता है। ताइवान की सदर से मुलाकात की तो अमेरिका जंग के लिए तैयार रहे। चीन का कहना है कि ताइवानी सदर होटल पर इंतजार के बहाने अमेरिकी कानून साजों से मुलाकात करेंगी। ताइवानी फौज का कहना है कि कौमी दिफा और सालमियत को यकीनी बनाएंगे। रूस यूक्रेन तनाज़े को 24 घंटों में ख़त्म कर सकता हूं। साबिक अमरीकी सदर का कहना था कि 2020 में दोबारा सदर मुंतखब हो जाता तो कभी भी जंग नहीं होती। ये भी मुमकिन है कि हम जंग अजीम स्वयं में चले जाएं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from four locations. कनाडा की वफाकी हुकूमत ने 59.5 बिलियन डॉलर का 2023 का बजट पेश कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने 2023 का बजट पेश कर दिया। वफाकी हुकूमत ने एक तंग नज़र बजट के हिस्से के तौर पर अगले 5 सालों में 59.5 बिलियन डॉलर के नए अखराजात का ऐलान किया है, जो आवामी खिदमत में बचत तलाश करने और टैक्स महसूलात में इजाफे का वादा भी करता है। वजीर खजाना क्रिस्टिया फीलैंड का बजट हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। इसमें सेहत की देखभाल, डेंटल, महंगाई में कमी और माहौल दोस्त मईशत पर तवज्जो दी गई है। इन तरजीहात की माली आनत के लिए
लिबरल्स अवामी खिदमत के अंदर 9.8 बिलियन डॉलर की बचत तलाश करने का वादा कर रहे हैं। वो टैक्स इकदामात की एक रेंज भी मुतारिफ करवा रहे हैं जिनका मकसद अमीर अफराद और कॉरपोरेशंस के लिए है, जो कि मिलकर 11.7 बिलियन डॉलर की आमदनी में इजाफा करेंगे। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने बजट पेश करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक तकरीर में कहा कि हमारे मुल्क में माली जिम्मेदारी की एक काबिल फख्र रिवायत है। ये एक रिवायत है जिसे हम बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है। वफाकी खसारा 2027 से 2028 तक 43 बिलियन डॉलर से कम होकर 14 बिलियन डॉलर तक रहने का इम्कान है, जबकि कर्ज से GDP का तनासुब आने वाले साल में थोड़ा सा बढ़ने की तवक्को है और 2027 से 2028 में 39.9% तक गिर जाएगी, जो 42.4% से कम हो जाएगी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने टोरंटो के वोटर्स से मुतालबा किया कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार की हिमायत ना करें जो पुलिस के बजट में कमी करे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड मंगल को टोरंटो के मेयर की दौड़ में शामिल हुए सिर्फ एक हफ्ता ये कहने के बाद कि वो ऐसा नहीं करेंगे। वोटरों से मुतालबा किया कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार की हिमायत ना करें जो पुलिस के बजट में कमी करे। पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुनरमंद तिजारत के बारे में गैर मुतालिका ऐलान के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए डग फोर्ड का कहना था कि शहर में ऐसे जराइम पहले कभी नहीं देखे। ये किसी भी मेयर के उम्मीदवार के लिए पहला मसला होना चाहिए जो कहते हैं कि वो पुलिस के लिए फंडिंग कम करना चाहते हैं, वो पुलिस को डेफिनेट करना चाहते हैं, उन्हें वोट ना दें। TTC में तशद्दुद से मुतालिक किए गए एक सवाल के जवाब में डग फोर्ड ने कहा, उन उम्मीदवारों की हिमायत करें जो पुलिस को फंड देने जा रहे हैं, जो हमारे सबवेज और हमारी गलियों में मजीद पुलिस अफसरान हासिल करने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर मैंने इसे इतना बुरा कभी नहीं देखा। कनाडा के सबसे बड़े पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम ने पिछले एक साल के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात में इजाफा देखा है, बशमूल पिछले हफ्ते एक सबवे स्टेशन पर एक नौजवान को छुरा घोंप कर मारना। इस साल पुलिस के बजट में इजाफे के बावजूद तशद्दुद का सिलसिला जारी है। वजीर आजम ने कहा कि वो मजीद सैकड़ों कुल वक्ती अफसरान को ट्रांजिट सिस्टम में गश्त करते देखना चाहते हैं। टोरंटो पुलिस सर्विस शहर के बजट में वाहिद सबसे बड़ी लाइन आइटम है और इस साल इसमें इजाफा हुआ है। कुछ काउंसलरों और शहरी कारकुनों ने इस्तदलाल किया है कि जराइम की पुलिसिंग के लिए लगाई जाने वाली कुछ रकम ऐसे प्रोग्रामों पर बेहतर तौर पर खर्च की जाएगी जो जराइम की जड़ों को निशाना बनाते हैं, जैसे दिमागी सेहत के बेहतर प्रोग्रामों और नौजवानों के प्रोग्रामों में सरमायाकारी जो नौजवानों को मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने से रोकते हैं। टोरंटो में मौसम बहार का आगाज हो गया है, लेकिन शहर में सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक टोरंटो में बुध को कुल 2 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। टोरंटो में मौसम बहार का आगाज हो गया है, लेकिन शहर में सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक टोरंटो में बुध को कुल 2 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। एजेंसी का कहना है कि सुबह 12 बजे के करीब मौसम अबर आलूद होने से पहले थोड़ा सा सूरज देखने की पेशगोई की गई है, जबकि दोपहर तक होने वाली बूंदाबांदी बास औकात मुंजमद बारिश में बदल जाएगी। माहिरीन मौसमियात ने शहरियों को हद निगाह में कमी, तेज हवाओं और गिरते हुए दर्जा हरारत से खबरदार किया। माहिरीन के मुताबिक सर्द मौसम जुमेरात और जुमे तक जारी रह सकता है। जुमेरात को एनवायरमेंट कनाडा ग्रेटर टोरंटो एरिया में मजीद झड़पों और बारिशों का मुतालबा कर रहा है। जुमे को बारिश की तवक्को है। बुध के रोज शहर का कम से कम दर्जा हरारत -8 और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चीन ने धमकी दी है कि अगर अमरीकी पार्लियामेंट के स्पीकर क्योन मिकार्थी ने ताइवान की सदर से मुलाकात की तो अमरीका से जंग करेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीन ने धमकी दी है कि अगर अमरीकी पार्लियामेंट के स्पीकर क्योन मिकार्थी ने ताइवान की सदर से मुलाकात की तो अमरीका से जंग करेंगे। चीन की धमकी पर ताइवान के मुसल्ला फौज ने कहा कि वो सदर तसाई के बैरून मुल्क दौरे के दौरान किसी भी चीनी इकदाम पर नजर रखे हुए हैं और कौमी दिफा और सालमियत को यकीनी बनाएंगे। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक चीन ने यह धमकी उस वक्त दी है जब ताइवान की सदर साई इंग्वेन अगले माह मुमकिन तौर पर वस्ती अमरीका के दौरे के दौरान न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जाएंगी और वहाँ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर से मुलाकात भी करेंगी। ताइवान की सदर आइंदा माह वस्ती अमरीकी ममालिक गोयटेमाला और बेल्स का दौरा करेंगी। दौरे का इख्तिताम न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में होगा, लेकिन अभी तक उनकी अमरीकी स्पीकर से मुलाकात की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं की गई। ताइवान में चीन के तर्जुमान ज़ो फैंगलेन ने मजीद कहा कि सदर तसाई अमरीकी ऐवान के स्पीकर मैककार्थी से मुलाकात करती हैं तो ये एक और इश्तियाल अंगेजी होगी
जो वन चाइना उसूल की संगीन खिलाफ वर्जी है और चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुंचाती है। ताहम चीन के ताइवान उमूर के दफ्तर के तर्जुमान ज़ो फेंगलैन ने इल्ज़ाम आयद किया कि ताइवानी सदर की वस्ती अमरीकी ममालिक के दौरे के दौरान न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया की ट्रांजिट फ्लाइट सिर्फ हवाई अड्डे या होटल पर इंतजार के लिए नहीं बल्कि अमरीकी हुक्काम और कानून साजों से मुलाकात के लिए है। याद रहे कि यह पहली बार नहीं कि जब ताइवान की सदर की अमरीकी स्पीकर से मुलाकात पर चीन ने इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा किया हो। गुज़िश्ता बरस अगस्त में उस वक्त की अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची तो चीनी तैयारों ने फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। चीन का दावा है कि ताइवान उसका हिस्सा है जबकि अमरीका समेत दीगर ममालिक ताइवान की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत की हिमायत करते हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो रूस और यूक्रेन तनाज़े को 24 घंटों के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो रूस और यूक्रेन तनाज़े को 24 घंटों के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की और उनके खुद के दरमियान बातचीत आसान होगी। उन्होंने कहा कि जौहरी आलमी जंग भी छिड़ सकती है जिसके नतीजे में जंगे अजीम अव्वल और दोयम बहुत मामूली मालूम होंगी। साबिक सदर ने मजीद कहा कि अगर 2020 में वो दोबारा सदर मुंतखब हो जाते हैं तो कभी भी जंग नहीं होती। मीडिया को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जंग खत्म करने का तरीका बयान नहीं किया, ताहम उन्होंने कहा कि वो अमन मुजाकरात की सदारत करते हुए ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं अभी ये नहीं बता सकता कि मुजाकरात में क्या नुकता रखूंगा, क्योंकि अभी बता दिया तो बाद अज़ां फिर मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जंग अगले साल के अख्तिताम तक भी खत्म नहीं होगी, ये भी मुमकिन है कि हम जंगे अजीम स्वयं में चले जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर 2024 के सदारती इंतखाबात के अख्तिताम तक जंग खत्म नहीं होती है और अगर वो दोबारा व्हाइट हाउस के लिए मुंतखब हो जाते हैं तो वो एक दिन के अंदर अमन समझौता कर लेंगे। दूसरी जानिब रूस के दिफाई निज़ाम ने अमरीकी गाइडेड मिज़ाइल मार गिराया। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि अमरीकी मिज़ाइल रूस की हदूद में मार गिराया है। यूक्रेन जंग के दौरान रूस ने पहली बार अमरीकी साख्ता मिज़ाइल गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरे दिन 18 रॉकेट और एक गाइडेड मिज़ाइल को रोकने की कोशिश की। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।